नमस्कार, हम हैं यश कुमार और 21 अप्रैल के हमारे फिल्म एक्शन राजा बिहार और झारखंड के सभी सिनेमाघर में लागत अटे। तो जितना भी हमारे भोजपुरिया दर्शक लोग बालो सब जनी से निवेदन बाटे यश कुमार के कि ये फिल्म के ज़्यादा से ज़्यादा देखी सब है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्यार दें सब है। देखिए, ये फिल्म में हमारे किरदार ऐसा बटे कि समाज में आज बुराई कई रूप में मौजूद है। कभी कभी होता क्या है कि गटर की गंदगी को साफ करने के लिए हमें गटर में उतरना पड़ता है। तो समाज की बुराई को समाज से ख़त्म करने के लिए मैंने बुराई का ही रास्ता चुना है कि मैं इसमें एक टपोरी लड़के का रोल प्ले कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं समाज से उन बुराइयों को ख़त्म करता हूँ जो अंदर अंदर हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। संजय श्रीवास्तव जी ने एक कंप्लीट मसाला फिल्म बनाई है। इसमें एक्शन भी, आप फिल्म का अगर ट्रेलर देखें यूट्यूब पे, एक्शन राजा का ट्रेलर देखिए तो बड़ा ज़बरदस्त ट्रेलर है। उस ट्रेलर से आपको पता चल जाएगा कि फिल्म में एक्शन किस दर्जे का है। एक्शन बड़ा ही कमाल है। जिन्हें एक्शन फिल्में पसंद है उनके लिए एक अलग प्रकार का एक्शन है जिसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। जिनको गाने पसंद है उनके लिए एक से बढ़ के एक सुमधुर संगीत है इस फिल्म में। जैसे छोटे बाबा ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है तो बड़ा ही कमाल का म्यूजिक है। राकेश त्रिपाठी ने इसकी स्टोरी लिखी है और डायलॉग लिखे हैं तो राकेश जी ने बड़ा ही कमाल लिखा है। तो सही मायने में एक्शन राजा एक कंप्लीट फैमिली फिल्म है जिसे आप किसी के साथ भी देख सकते हैं। आपको ये फिल्म कॉमेडी से हंसाएगी भी, एक्शन से रोमांच पैदा करेगी। इस फिल्म में दो हीरोइनें हैं। एक हीरोइन है हमारी नेहाश्री और दूसरी हैं अर्चना सिंह। नेहाश्री के साथ और अर्चना के साथ, दोनों के साथ मैंने पहली बार काम किया बट काफ़ी कोऑपरेटिव रहे वो लोग। कभी ये नहीं लगा कि मैं एक नए लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने फिल्में काफ़ी की हैं, मेरे साथ पहली फिल्म थी इन दोनों लोगों की, लेकिन सेट पे संजय श्रीवास्तव जी ने और हमारे जो निर्माता हैं कमल किशोर साहू जी, इन्होंने इतना अच्छा एक माहौल बना दिया, इतना अच्छा फ़न क्रिएट कर दिया सेट पे कि लगा ही नहीं कि हम किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। हम लोगों को बस ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक पिकनिक पे गए हुए हैं और शूटिंग नहीं, पिकनिक कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आया। और मनोज टाइगर के कॉमेडी बहुत अच्छा हुआ है। मैं संजय पांडे जी के खलनायकी बड़ा ज़बरदस्त बा। दुदू को हीरोइन बा लोग अर्चना सिंह और नेहाश्री, तो ओलोन के चंचल शोक हसीना बा लोग, ओलोन का अदा ऐसा बाटे स्क्रीन के ऊपर जोन बार बार ये सब कही कि भैया जा फिल्म देखा जा। एक्शन राजा तो रिलीज़ होता थे परसों 21 अप्रैल के, वो तो बटले बा। एक बाद हमारे एक रजाई तीन लुगाई आवा था जवान मंजुल ठाकुर निर्देशित कैले बनाए के, एकता बहल जी प्रोड्यूसर हैं इसकी। बड़ी ही ज़बरदस्त कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म के बाद आप सबको कसम पैदा करने वाले की एक फिल्म मिलेगी। बड़ी ही कमाल की फिल्म बनी है। कुत्ता और बंदर दो और हीरो हैं मेरे साथ इस फिल्म में, तो मुझे लगता है कि वो मेरी अब तक की सबसे अलग फिल्म होगी। उसके बाद से फिर रुद्रा आएगी। रुद्रा में मैंने डबल रोल प्ले किया है, बाप भी मैं हूँ बेटा भी मैं हूँ। वो एक अलग फ्लेवर की फ़िल्म है, आप सबको बड़ा मज़ा आएगा उसमें भी। फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। आप लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जंग देखा होगा, गोली के माध्यम से, बंदूक के माध्यम से। पहली बार बॉल और बैट का जंग देखेंगे फौजियों के द्वारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। बड़ी कमाल की फ़िल्म बनी है। फिर मोहब्बत जिंदाबाद है। तो बहुत सारी फिल्में हैं। बस इतना ही कहूँगा कि देखते रहिए, प्यार देते रहिए अपने यश कुमार को और अपने दिल में एक छोटा सा जगह अपने यश कुमार को भी दीजिए। Planet Bhojpuri.